हेलो दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं। बजट का हमारा ये सेकंड वीडियो है। तो बागवानी क्षेत्र पर 2020-21 बजट अनुमानों में 536 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं पशुपालन विभाग और गौ संरक्षण की। प्रदेश के किसानों एवं बागवानों के लिए पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमारी सरकार ने हाल ही में विटामिन ए तथा डी से फोर्टिफाइड दूध हिम गौरी जो है उपलब्ध करवाना आरंभ कर दिया है। और इसके लिए बीजेपी ने जो प्रस्ताव पास किया है वो ये है। एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 11 जिलों के 3300 गांवों में निःशुल्क गर्भाधान योजना का प्रारंभ किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। तो यह है राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम है। 11 जिलों के 3300 गांवों में गर्भाधान करवाया जाएगा निःशुल्क, यानी कि टीके लगवाए जाएंगे अच्छी किस्म के। उन्नत नस्लों की गायों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए कांगड़ा जिला में जो है जर्सी गायों का जो संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण है उसका एक कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनी लाभार्थियों की गायों में उच्च उत्पादन क्षमता वाले सीमेन स्ट्रॉज के माध्यम से जो पैदा होंगे बछड़े बछड़ियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। सरकार द्वारा भेड़ बकरी पालकों के लिए उपदान पर बकरियां उपलब्ध करवाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। अभी तक प्रजनन के लिए भेड़ पर उपदान का प्रावधान जनजातीय वर्ग तक सीमित है। मैं घोषणा करता हूं कि वर्ष 2020-21 से सभी वर्गों के लाभार्थी प्रजनन के लिए भेड़ पर उपदान के पात्र होंगे। अब मुर्गी पालन के लिए किसान जो सरकार ने क्या दिया है, हिम कुक्कुट पालन योजना, हिम कुक्कुट पालन योजना के अंतर्गत क्या है कि 100 किसान चुने जाएंगे सभी वर्गों के, और उनको हर साल 5,000 तक जो ब्रॉयलर मुर्गे होते हैं वो दिए जाएंगे। 100 किसानों को 5,000 ब्रॉयलर मुर्गे हर साल दिए जाएंगे, और ये उनको दिया जाएगा जिन्होंने सरकारी संस्थाओं से आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त किया है मुर्गी पालन में। एक और सेवा सरकार ने लॉन्च की है, मोबाइल वेटरनरी सेवा मूव्स। तो ये पशुओं की जितनी भी समस्याएं होती है तो जो डॉक्टर होगा वो पशुपालकों के घर पे जाएगा। जो भी गाय या बकरी जो भी भैंस कोई प्रॉब्लम होगी तो इस सेवा का नाम है मूव्स, मोबाइल वेटरनरी सेवा। और ग्राम पशु चिकित्सा सहायक, ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायक जो होंगे उनके 120 पद हैं वो भरे जाएंगे 2020-21 में। और सरकार ने 2 रुपये 2020-21 के दौरान 2 रुपये बढ़ा दिए हैं दूध पे, यानी कि दूध 2 लीटर महंगा होगा। और मिल्क फैड को 23 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रस्ताव करता हूँ। और मिल्क फैड जो है फेडरेशन है जो दूध इकट्ठा करते हैं उनको 23 करोड़ का अनुदान का वो प्रस्ताव दिया है। पशुपालन क्षेत्र पर 2020-21 बजट अनुमानों में 477 करोड़ का रुपए का प्रावधान किया गया है। और 2020-21 में 100 नई ट्राई ट्राउट इकाइयों का निर्माण करेंगी सरकार। और ट्राउट मत्स्य पिंजरे जो होते हैं उनका भी निर्माण किया जाएगा। नालागढ़ कार्प मछली फार्म में जो है वो रास
रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना की जाएगी। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट आ रहा है, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना की घोषणा की है, पर्वत धारा। तो जो जल स्रोत हैं उनके जीर्णोद्धार और जो ढलानदार खेत हैं उनमें सिंचाई परियोजना के माध्यम से सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए पर्वत धारा की जो योजना है वो घोषणा की है, और इस योजना पर 20 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। तथा इसके अंतर्गत सैटेलाइट इमेज के आधार पर जल संग्रहण जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। और नई स्कीम है भारत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 2000 लोक मित्र जो हैं वो और खोले जाएंगे, और इन जो लोक मित्र केंद्र हैं इनमें 100 भारत सरकार 100 करोड़ रुपए देगी स्टेट गवर्नमेंट को, और इन जो लोक मित्र केंद्र हैं इनका निर्माण पंचायत घरों में ही किया जाएगा। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो मनरेगा के, देखिए जो भी ऐसे लोग हैं जो मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर चुके हैं साल में, तो उनके परिवार का एक सदस्य को, कम से कम एक सदस्य को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इस योजना के किस योजना के अंतर्गत, यह 29 योजना के अंदर, 29 नाम है 29 योजना के अंदर, उनको कौशल विकास यानी कि कोई भी कार्य उनको सिखाया जाएगा वयस्क सदस्य को जिनके मनरेगा में 100 दिन का कार्य रोजगार पा चुके हों जो लोग। एक और योजना है पंचवटी योजना, इसके तहत पार्कों और बागों का निर्माण किया जाएगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए है ये। और 500 ग्राम पंचायतों को कचरा मुक्त बनाने का कार्य भी आरंभ किया जाएगा। और ऐसी पंचायत जो तंबाकू सेवन से मुक्त होगी उसे 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और 2019-20 में जो पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, पांचवें जो वित्त आयोग है उनमें उनकी पांचों वित्त आयोग की अनुशंसा पर 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से इसे 228 करोड़ का कर दिया है। और पांचवें केंद्रीय वित्त आयोग की, 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप भारत सरकार के माध्यम से 429 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने इसे स्वीकार भी कर लिया है, और यह अनुदान जो दिया जाएगा वो पंचायत समितियों और जिला परिषद को दिया जाएगा। और पंचायत सिलाई अध्यापिकाएं और पंचायत चौकीदार जो हैं उनको जो पैसे दिए जाते हैं 500 रुपये प्रतिमाह, मतलब 500 रुपये उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। वन संरक्षण एवं वनों से रोजगार, सतत विकास लक्ष्य संख्या 15 के अंतर्गत 2030 तक हिमाचल का जो कुल क्षेत्र है उसका 30% भाग वन
आवरण के अधीन लाने का लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में है 27.72%। और गवर्नमेंट ने 2020-21 में 12,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है, जो लास्ट ईयर की तुलना में 3,000 हेक्टेयर अधिक है। यानी कि लास्ट ईयर 9,000 हेक्टेयर रखा था, इस बार 12,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 1 करोड़ पौधे जो सरकार रोपित करेगी, और इसके लिए 2020-21 में 15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने दो योजनाएं स्टार्ट की थी 2018-19 में। एक थी सामुदायिक वन संवर्धन योजना और विद्यार्थी वन मित्र योजना। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सामुदायिक वन संवर्धन योजना जो है, इसके अंतर्गत ग्राम वन विकास समितियां जो होती हैं उनके माध्यम से 200 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण करवाया जाएगा और जल संरक्षण के कार्य भी करवाए जाएंगे। इसी वर्ष में विद्यार्थी वन मित्र योजना, जो दूसरी योजना थी, इसमें 100 नए स्कूलों का चयन किया जाएगा और वहाँ पे उन विद्यार्थियों से पौधारोपण करवाया जाएगा। इसके अलावा 50,000 चंदन के पौधे तैयार करवाएगी सरकार, और इनको जो निजी भूमि में लोग अपनी लगा सकते हैं। अब बात कर रहे हैं तीन जो बाहर से सहायता प्राप्त हो रही है, तीन परियोजनाओं की, वन विभाग की। तो इन तीन परियोजनाओं के लिए 139 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, और इन परियोजनाओं का जो लक्ष्य होगा 2500 हेक्टेयर भूमि से लेंटाना का निर्मूलन, यानी लेंटाना को हटाया जाएगा 2500 हेक्टेयर भूमि से, और 2500 हेक्टेयर भूमि पर जल संरक्षण के कार्य होंगे और प्रबंधन के, और 5000 हेक्टेयर जो भूमि होगी उसमें वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है। और ये स्कीमें कौन सी है? इम्प्रूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको सिस्टम मैनेजमेंट एंड लेवलीहुड्स एक, इंटीग्रेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी दो, और HP फॉरेस्ट इको सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट। ये तीन स्कीमें हैं, इनके अंतर्गत 139 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। और सरकार नेचर ट्रेनर, ट्रैकिंग गाइड और साहसिक खेल जो होते हैं उनके लिए जो लोकल जो युवा हैं उनको प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाएगी, जिससे 500 युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने पर्वत धारा योजना की घोषणा की है और इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। अब बात करते हैं पर्यावरण विकास एवं प्रौद्योगिकी। तो कुल्लू जिले में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित की जाएगी। ग्लेशियर का जो प्रकोप है उसके प्रति बहुत संवेदनशील ग्लेशियर है, उसके लिए HP स्टेट स्पेशियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना जो है उसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों को स्पेशियल डाटा उपलब्ध करवाया जाएगा। अब है कौशल विकास कार्यक्रम परियोजना। तो जो कौशल विकास परियोजना है उसके अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी में 100 जो छात्र हैं उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, जय प्रौद्योगिकी छात्र जो हैं। और देखिए हिमाचल प्रदेश के 5 जो फेमस उत्पाद हैं उनको GI टैग करवाए जाने के प्रयास किए जाएंगे, और वो 5 जो हैं वो है पांगी की ठांगी, करसोग कुत,
चंबा धातु शिल्प, चंबाचूक और भरमौरी राजमा। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी एक और योजना की बात करते हैं, वो है स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना। स्वर्ण ज्ञानोदय के नाम से याद रख सकते हैं, स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना। 15 करोड़ का प्रावधान है इसमें। योजना के तहत 100 क्लस्टर स्कूलों में बच्चे अध्यापकों के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। टॉयलेट, बिजली, पंखे, स्मार्ट कक्षा, फर्नीचर, पानी, लाइब्रेरी और खेलकूद की सुविधाएं सारी इसमें शामिल हैं। 100 स्कूल चुने जाएंगे। 100 स्कूलों में ज्ञानोदय योजना है, इसके लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साफ सफाई के लिए है मेनली। एक नई योजना है उत्कृष्ट स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना। तो इसका जो पहला चरण होगा उसके अंदर 68 स्कूल लिए जाएंगे जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 500 या इससे अधिक है, और उनको जैसे जितने ज़्यादा विद्यार्थी उनको प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा। और इसमें देखिए फर्नीचर का प्रावधान, नवीनीकरण किया जाएगा स्कूलों का, और बेहतर शौचालय पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, और टीचर टॉट रेशियो इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपए प्रस्ताव दिया है सरकार ने। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की सरकार है 9 महाविद्यालयों को उत्कृष्ट महाविद्यालय बनाने का प्रयास करेगी, जिनमें जिम और अन्य सुविधाएं भी उसमें शामिल करेंगी। और उत्कृष्ट योजना के लिए ये योजना नहीं है, उत्कृष्ट महाविद्यालय, उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में स्थापित करेगी। और इस परियोजना के लिए 9 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है, जिम यानी कि स्कूल में जिम खोलने के लिए। इसके अलावा सरकार ने 50 स्कूलों में गणित प्रयोगशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, और गणित को सरल करने के लिए। एक और बीजेपी गवर्नमेंट की जो योजना है, जयराम जी ने उसके बारे में चर्चा की है, सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम योजना। तो इस योजना में जहाँ कठिन भौगोलिक परिस्थिति यानी कि जो पहाड़ी इलाकों में जो महाविद्यालय या विद्यालय हैं उनमें वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाती है, और ये प्रथम चरण इसका सफल होने के बाद 106 नए शैक्षणिक संस्थानों में वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किया जाएंगे। वीवॉक जो है वो प्रायोगिक स्तर पर राज्य के 12 महाविद्यालयों में शुरू किया गया है, और 2020-21 में वीवॉक डिग्री प्रोग्राम को 6 नए महाविद्यालयों में शुरू करने का प्रस्ताव रखा है जयराम जी ने। और वर्तमान में 703 विद्यार्थी वीवॉक के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं। मेधा प्रोत्साहन योजना ये सरकार द्वारा चलाई जा रही है पहले ही, तो इनमें मेधावी छात्रों को व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो बढ़ती प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जयराम जी ने एक नई योजना का घोषणा किया, वो है स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना। तो 10वीं कक्षा में जो टॉप 100 विद्यार्थी होंगे उनको आवश्यक प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक संस्थानों में 1 लाख रुपए प्रति विद्यार्थी अनुदान की सहायता दी जाएगी। और आउटसोर्स आधार पर जो आईटी टीचर लगे हैं उनमें 10% की बढ़ोतरी की घोषणा की है जयराम जी ने उनकी सैलरी में।
और जो पार्ट टाइम जलवाहक हैं पूरी दिहाड़ी आने के बाद 6 वर्ष की सेवा के बाद नियमित होने के पात्र होते हैं, तो उन्होंने 6 साल के बजाय 5 साल इस करने की घोषणा कर दी है इसके लिए। मंडी में सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय ने काम करना आरंभ कर दिया है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 138 सरकारी महाविद्यालय और 69 निजी महाविद्यालय हैं। मिड डे मील वर्कर वाटर कैरियर जो हैं उनको जो मासिक मानदेय है उसको 300 रुपये हर महीने बढ़ाने की घोषणा की है। और शिक्षा पर 2020-21 में 8,016 करोड़ रुपये का खर्च का प्रस्ताव दिया है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं चिकित्सा, शिक्षा, नशा मुक्ति। हिम केयर तथा सहारा जैसी परियोजनाएं पहले से चल रही है। हिम केयर जो योजना है उसमें अब तक 68,222 लाभार्थी जो हैं उनको 63 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और आयुष्मान भारत के अंतर्गत 52,922 लाभार्थियों को लगभग 53 करोड़ रुपए की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। एक और योजना मुख्यमंत्री जी ने लागू किया, क्षय रोग निवारण योजना। क्षय रोग उन्मूलन के लिए क्षय रोग निवारण योजना लागू की जा रही है और पिछले वर्ष क्षय रोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य को पूरे देश में प्रथम पुरस्कार दिया गया था। तो इसके अतिरिक्त दवा प्रतिरोधी क्षय रोगियों के लिए पोषण बढ़ाने के लिए मैं उपचार के दौरान सभी मल्टी ड्रग प्रतिरोधी क्षय रोगियों को इस योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता देने की घोषणा करता हूँ। जो क्षय रोगी है उनको 1,500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। एक और योजना जयराम जी ने घोषणा की है, स्वास्थ्य स्वस्थ और सशक्त किशोरित्व एवं मातृत्व योजना। तो ये किसके लिए की है कि पहला है मैमोग्राफी मशीनें जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा सके आरंभिक अवस्थाओं में ही। इसके अलावा महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम तथा जागरूकता के लिए नया कार्यक्रम अभियान आरंभ किया जाएगा। बच्चियों तथा किशोरियों के वैक्सीन टीकाकरण के लिए सभी बिंदुओं पर अध्ययन के लिए विस्तृत नीति अपनाई जाएगी और ये सब होगा SKM स्वस्थ और सशक्त किशोरित्व एवं मातृत्व योजना के अंतर्गत। हमारी सरकार ने पिछले वर्ष सहारा योजना आरंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को 2,000 प्रति माह देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत 8,188 पंजीकृत लाभार्थियों में से 5,580 लाभार्थियों को उपदान प्रदान किया जा रहा है तथा शेष बचे लाभार्थियों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें भी यह लाभ देना आरंभ किया जाएगा। ओके, तो सहारा योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को 2,000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है, इसे जयराम जी ने 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। तो HIV पीड़ित लोगों को पूरे जीवन काल में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेनी पड़ती है जो ART केंद्रों में जो है HIV रोगियों को मुफ्त दी जा रही है। अभी हिमाचल में 6 ART केंद्र हैं। तो इसके लिए जयराम जी ने डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज, नाहन, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज,
चंबा और लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में भी यह सुविधा शुरू करने की घोषणा करता हूँ। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में एक आधुनिकतम बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री निरोग योजना के तहत नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रिस्क फैक्टर के लिए 15 लाख से अधिक लोगों का आकलन किया जा रहा है। स्क्रीनिंग के बाद रोगियों की संख्या के दृष्टिगत उन्होंने जयराम जी ने 10 अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में एकीकृत निरोग क्लिनिक खोलने का प्रस्ताव दिया है। अब तक तो 11 अलग अलग श्रेणी के रोगी को 56 परीक्षणों के लिए निशुल्क डायग्नोस्टिक सुविधाएं प्रदान की जा रही है और इसको प्रस्ताव रखा है सभी तक पहुंचाने का। मैं घोषणा करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग एक व्यापक आईटी आधारित प्रणाली हिम आरोग्य विकसित करेगा जिसमें सभी सिटीजन्स को यूनिक स्वास्थ्य आईटी दी जाएगी और इस आईटी के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य सेवा लेने में उन्हें आसानी होगी। इसके अलावा जयराम जी ने 10 मोबाइल हेल्थ सेंटर शुरू करने की घोषणा की है ताकि जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की जो पूरी श्रृंखला है मोबाइल वैन जो चलेगी उसके द्वारा पूरी की जाएगी, वो वैन वहाँ पे जाएगी। तो इन्होंने 10 मोबाइल हेल्थ सेंटर शुरू किए हैं यानी कि गाड़ी में डॉक्टर जाएंगे बैठ के, उसी में दवाइयाँ वगैरह सारी होगी। हिमाचल प्रदेश में 108 सेवा के अंतर्गत 198 एम्बुलेंस चल रही है और अभी 46 एम्बुलेंस के स्थान पर नई एम्बुलेंस दी गई है। तो जयराम जी ने घोषणा की है कि 100 अतिरिक्त पुरानी जो एम्बुलेंस है उनको भी जल्द ही बदला जाएगा। एक और योजना जयराम जी ने स्टार्ट किया है सम्मान। तो कभी कभी ये होता है कि कुछ बेसहारा जो लोग होते हैं गंभीर अवस्था में अस्पतालों में छोड़ दिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जयराम जी ने मुफ्त इलाज और डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्मान योजना स्टार्ट की है। और जो मुफ्त दवाइयाँ सरकार द्वारा वितरित की जा रही है वो 2020-21 में 100 करोड़ का उन्होंने उसमें प्रस्ताव दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो हमने 94 पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसे। अभी हमने अप्रोक्स 50% जो बजट है वो कवर कर लिया है। थैंक यू।